Lights, camera, cook. अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और मेरे बावरची खाने में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं तो हो गया सरमद खुसट और जो स्टार इफ्तार है जनाब, वो आज मेरी एक बहुत ही ख़ास दोस्त, ख़ास मेहमान के साथ है। बहुत प्यारी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, थिएटर के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से, एंकरिंग के हवाले से, लिखने के हवाले से, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी से लगती हैं कि मस्त मलंग हैं। और मस्त मलंग इस हद तक हैं कि बस जब दिल चाहता है तब काम करती हैं और जब दिल नहीं चाहता तो बस गायब हो जाती हैं। और बहुत अच्छी दोस्त है जनाब मेरी नादिया जमील। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हैं? अच्छी। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी, अच्छू, अच्छी, सॉरी। एक और जो बहुत इनका इम्पॉर्टेंट तारुफ है जनाब, बल्कि तारीफ, वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ नॉलेज मगर जो ज़बान है वो बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, स्पेशलाइज्ड है खाने के हवाले से। मेरा शोहर कहेगा तेज है। तेज है तो चले, खाने के हवाले से भी, मतलब नादिया जब कहीं खाना खाती हैं, दूसरा इनके मस्त मलंग होने का एक और एस्पेक्ट ये है कि खुले दिल से फिर तारीफ करती हैं, उसका एनालिसिस अच्छे खाने की, अच्छे खाने की जब खाती हैं अच्छी जगह, और जिस तरह से वो लिखती हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप उस रिव्यू के अंदर कूद पड़े और उसके अंदर से वो खाना। खाना जो है ना मेरे लिए इंतहाई मजहबी चीज है, सीरियस चीज है। अच्छा। और मेरे ख्याल में आपकी जिंदगी में शायद इतनी गुर्बत आपको किसी रिश्ते, मतलब किसी रिश्ते में नहीं मिलेगी। आई मीन वो चीज जो आप मुंह में डालते हैं, जो आपके खून में घुलता है, आपके बाल, कान, आंख, अंग अंग, एक एक सेल उससे बनती है, वो आपके अंदर घुलती है। हां, नो बट यू आर राइट, आई मीन यू आर जस्ट इंटेंसली इंटीमेट। जी 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 जी। रोजे में मेरा ख्याल है कुछ बातें जो हैं वो रोजे के लिए अच्छी नहीं होती जनाब। आज आपके लिए मैं कोशिश करूंगा, मैंने पहले कभी नहीं बनाया, मैं लोगों को साथ साथ वार्निंग भी देता रहता हूँ कि कुछ चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ जिनकी रेसिपीज पढ़ के या लोगों से पूछ के। आज हमस बनाऊंगा आपके लिए, चुकंदर का सलाद बनाऊंगा और उसके साथ ही पीटा ब्रेड जो है, अवन में भी आप इसको वो थोड़ा कड़कड़ा सकते हैं, हम इसको कुड़कुड़ कर लेंगे तवे पे। ठीक, मुझे ना सब्जियों से लगाओ खुद खाने में। हाँ, जूस से। हाँ, जूस से। आई जूस माय वेजिटेबल्स ऑलवेज, आई जूस माय वेजिटेबल्स मैं खुद। लेकिन 14 साल पहले जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तब मुझे सब्जियां दूसरों को मुंह में ठूंसने से मुझे काफी एक्सपर्ट बन गई हूँ मैं। हाँ। और मुझे चुकंदर की बात यह है कि चुकंदर जो है आयरन से भरा हुआ है। राइट, ठीक है ना। राइट, राइट। और जो सब्जियां हैं उनमें जो आयरन होता है ना। हाँ। वो नॉन हेमा आयरन होता है, ठीक है ना। ओके। उसको खून में जज्ब करने के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत होती है, जैसे कि वो खूबसूरत तरीन नींबू वहाँ पड़ा हुआ है या सेब। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला बेसिकली। इसके अंदर आपको रोस्टेड गार्लिक चाहिए होता है, तो आप उसको या तो अवन में, वरना आप उसको, मैं जिस तरह एक क्विक फिक्स कर रहा हूँ कि बगैर किसी घी के थोड़ी देर जिस तरह आप तिल को या किसी और चीज को टोस्ट कर ले। आई लव द स्मेल ऑफ लहसुन। अच्छा जी, हम इसके लिए आपको बता दूं जनाब, 1.5 कप उबले हुए चने हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद। अच्छा, बहुत सी चीजें डब्बे में से बड़ी आसानी से बरामद हो जाती है ना, डब्बे की चीजों के बारे में चाहूंगा लोगों को जरा कुछ। नहीं नहीं बराबर नहीं। और क्यों नहीं ये भी बताएं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कीमिया महलूल मिली हुई होती है उसमें, मतलब इस तरह अहरामे मिस्र में फिरौनों की जो मम्मियां बनाई जाती हैं वो मसाले तकरीबन उसके करीब करीब ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं चीजों में। और जैसे मैं कह रही हूँ, याद रखें जो आप चीज खाएंगे जज्ब करेंगे उस पे, उसका आपके खून पे और आपके जज्बात पे, आपके नफ्सियात पे, हर चीज पे असर पड़ेगा। नादिया जमील, अगर एक खूबरू इंसान होने के अलावा, एक बहुत बासलाहियत अदाकारा होने के अलावा कोई एक खाने पीने की चीज़ होती तो आप क्या होती? 1.5 कप चने उबले हुए, रात को भिगो दें, सुबह उबाले थोड़े से पानी में, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा लीमू का रस, और उसके साथ जनाब चाहिनी। चाहिनी ज़रा प्लीज़ नादिया आज लोगों को एक्सप्लेन कर दे, मैं कुछ जब बैरून मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ तो थोड़ी दिक्कत होती है। सेसमी सीड, सेसमी सीड का एक पेस्ट होता है, तो क्या होती जी आप खाने पीने की चीज़? हरी मिर्च। हरी मिर्च होती। इतनी तीखी तो नहीं यार, मतलब आप जरा। नहीं लेकिन चुलबुली है, तीखी तो नहीं है। लेकिन मज़ा भी नहीं आता ना मेरे बगैर खाना खाने का। फिर आप वो कचकच करके साथ खाती हैं हरी मिर्च? नहीं तो खाती हूँ, आई लव हरी मिर्च। तो उस दिन किसी ने मेरे शो पे अब मजीद राले टपक रही हैं, सॉरी। हरी मिर्च का नाम बताया, उसका नाम था ततैया।
सतैया, मुझे लगा कि वो किसी डांस का नाम होना चाहिए। डांस से याद आया जनाब, एक और चीज जो मैं नादिया जमील के साथ जरूर बात करना चाहूंगा, उसकी एक जगह है, उसका नाम है ये नई जगह। क्या जगह है जी वो नादिया? The empty space। और उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो हम कहेंगे एक खाली जगह, या वो खाली जगह, क्योंकि दी है या खाली जगह। खाली जगह, खाली जगह क्या है नादिया जमील? वो जगह जहाँ पे आप अपने आप को जो मर्जी बनना चाहें आप बन सकें। नादिया जमील जनाब, मैंने बताया मस्त मलंग सी हरकतें करती हैं। एक मस्त मलंग हरकत इन्होंने ये की कि टीवी तो अपनी मर्जी से करती हैं, मनमौजी हैं, लेकिन थिएटर करती रहती हैं, बच्चों के साथ बहुत काम करती हैं। तो जनाब उस हवाले से अब एक ये जगह है जो नादिया जमील ने बनाई है, जहाँ पे आप जाएं, जाके योगा करें, वहाँ पे आप डांस फिटनेस करें, ड्रामा सीखें। खाली कमरा है जिसके अंदर शीशे लगे हुए हैं, और एक पीस है, एक खिड़की है वहाँ पे जिसके पीछे एक दरख्त नज़र आता है। मैं और मेरा दरख्त, आप और आपका दरख्त, मेरे दो तीन शायद इश्क हैं ज़िंदगी में। एक खाना, अच्छा खाना, दूसरा बच्चे, हर किस्म के बच्चे। हाँ। और तीसरा पपीज। ऑफ कोर्स, पपीज मेरा मतलब था पपीज। हाँ, हाँ, नहीं मैं तो खुश हो रहा हूँ, मुझे तो याद आ गए तीनों के तीनों। Oof, I can't wait to see this happen now. अच्छा जी, तकरीबन ये एक पूरा लहसुन था जिसको छील के उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए गए थे, डेढ़ कप उबले हुए चने थे, तीन बड़े टेबलस्पून डाले टाहिनी के, तिल की जो तिल, जी जी जी, जो तिल होते हैं ये वाले जी, सफ़ेद तिल, उनकी पेस्ट होती है, तीन अदर टेबलस्पून इसमें गए लीमू के। मैं चाहूँगा नादिया अपनी मर्जी से आप नमक भी डालूँ, मैं साइड से आ जाती हूँ क्योंकि। हाँ ठीक है, प्लीज़ डालिए अपनी मर्जी से जितना नमक आपको चाहिए। मैं बहुत कम नमक से। हाँ हाँ, तो आपकी मर्जी से जितना आपको चाहिए। नादिया तो बिल्कुल भी नहीं गया अभी, बस नमक बहुत बुरी चीज़ होती है। डन जनाब, नादिया को नमक पसंद नहीं, हमें भी। और नमक वो चीज़ होती है बाद में अपनी मर्जी से डाल भी सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा। जीरे को भी जनाब इसी तरह आप तवे के ऊपर, पैन के ऊपर रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा जाएगा तकरीबन आधा टीस्पून समझ लें या उससे भी थोड़ा सा कम, उसको भुना हुआ उसका पाउडर कर लिया आपने। क्या कमाल की चीज़ है ना, ये जो रोस्ट करके आप मसाले जब करते हैं ना, तो उनकी जो उनकी जो ढूस निकलती है उसके वक्त, ये जी गुलाब, सीरियसली मतलब रोजमेरी, मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह जानता है जनाब इसको उर्दू में या पंजाबी में हम क्या कहते हैं, लेकिन ये रोज गुलाबी मरियम, गुलाबी मरियम जी बिल्कुल। तो ये वैसे ग्रीन भी होती है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है ये अंदाजे से ही मैं थोड़ी सी बस डालूंगा, ताकि बस एक हिंट आए उसका और बहुत ज़्यादा ना हो। और थोड़ी सी इसमें डलेगी जनाब, इसमें जलती है वो वाली कायन पेपर, लेकिन मेरे पास कायन पेपर। हाँ देखो, एक बहुत अच्छे तक मेरा ख्याल था कि आई ऑलवेज थॉट वो लाल मिर्च है, मेरा ख्याल तो सायन भी होती है, मुझे पता बाद में चला। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रहा हूँ पैप्रिका, वो क्या जो कि मिर्च की है लेकिन ये मीठी, आई नो पैप्रिका, लेकिन वो होता क्या है? मिर्ची होती है लेकिन ये मीठी मिर्ची होती है, स्वीट मिर्ची होती है। तो जनाब ये भी थोड़ी सी बस। अब इसका ट्रिक ये होता है नादिया, जो इसकी असल ट्रिक है, अब इसको हमने बनाना है एक खास कंसिस्टेंसी का, मतलब ये टाहिनी तो बहुत पतला है ना, हमने इसको एक खास कंसिस्टेंसी का बनाना है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, व्हाट इज दिस, ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल कच्चा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और जनाब ये आप साथ साथ डालते रहेंगे, उससे इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती, या मेरा ख्याल है लोगों को दिखाया भी जाए साथ साथ कि हम कर क्या रहे हैं। ऑलिव ऑयल थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे तो ये हिलेगा जनाब, और मुझे ये कि ये उछल के ना मेरे पे आए, नहीं अभी होता जाएगा, वरना वी शेक इट, नो वी कैन, वे भी वैसे अच्छा आइडिया है, शेक इट जी, अच्छा जी ये इसकी जो ओरिजिन है मेरा ख्याल है ये कहीं लिबनान से है, तो वहाँ जैतून का बहुत इस्तेमाल होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे मुंह पे नहीं आएगा। अब ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ इसको पहुँचना था। आपसे एक सवाल है, जो इसमें लहसुन रह गया उसको रहने दिया जाए मोटा मोटा या मजीद ब्लेंड? मुझे तो मोटा मोटा पसंद है, और ऑलिव ऑयल, लेकिन ज्यादातर लोगों को बिल्कुल स्मूथ पसंद है। तो उसके लिए जनाब तरीका वही है कि जितना आप इसमें तेल डालते जाएंगे ये उतना और वो होता जाएगा। आई लाइक इट अ बिट चंकी, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑयल और डालूं थोड़ा सा?
डाल दें, अपने व्यूअर्स के लिए डाल दें। जनाब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं और आप आपके मिलते... लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, नमक भी हमने आपकी वजह से थोड़ा सा डाल ही दिया था। मेरी वजह से। हाँ जनाब, आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा नादिया, आप जितना खाने के साथ उन्स रखती हैं और खाने की जिस तरह आप इज्जत और तकरीम में बहुत बिलीव करती हैं, मुझे बताएं अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको ये पता चले कि अब कुछ अरसे के लिए मार्स पे जाना है और वहाँ दुनिया वाले खाने नहीं होंगे, तो जाते हुए आखिरी कौन सा ऐसा एक खाना है जो नादिया जमील कहें कि भाई ये रोक दें शटर? बहुत मुश्किल है सवाल। अच्छा चले, एक नहीं एक कोई मेन्यू बता दें, एक कॉम्बो बता दें पूरा। साथ में बताऊं जनाब, थोड़ा सा मैंने उस पर ऑयल डाला है और इसको मैं कुड़कुड़ा लूंगा सॉर्ट ऑफ पराठे की तरह। क्या खुशबू आ रही है। नादिया की ख्वाहिश थी इसमें बटर भी डाल सकते हैं, बटर मेरे पास इस वक्त फ्रिज में हुआ है ख़त्म, तो मैंने इसलिए ऑलिव ऑयल पकाने वाला इस्तेमाल किया। थोड़ा सा इसको आप पराठे नुमा बना लें और इसके बाद में मैं इसके चिप्स काटूंगा। 3 अदद जनाब टेबल स्पून या 3.5 टेबल स्पून नींबू के, इतना ही जनाब बराबर कच्चा खाने वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये गया। इसमें सॉल्ट एंड पेपर जाएगा। ये जो मैं चुकंदर का सैलेड, चुकंदर मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट सब्जी है, दुनिया में सबसे फेवरेट। और जनाब काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, ना तो आप इसको पलटेंगी। कातलाना हद तक हसीन लग रहा है आपका पीटा ब्रेड, आपकी पीटा ब्रेड जनाब। इस तरफ से तो ब्राउन हो गई मेरा ख्याल। अच्छा सुना दो, क्या खाए बगैर आपने? जो अच्छा मिले, मतलब क्या, मतलब जो भी हो, अच्छा हो, दाल चावल हो, मतलब गोश्त ना हो, गोश्त ना, गोश्त ना हो। okay. और अगर मछली हो तो सुशी हो। ओके okay. या वो घिया तोरी। ओके okay. या फिर टिंडे। ओके मिर्चों वाले बने, तसव्वुर में भी मुझे लगता है चली गई हैं टिंडों के। अच्छा सरमद ने एक बार मुझे क्या बना के दिया, कमाल का, कमाल कमाल दाल। हाँ। कौन सी दाल थी? माश की दाल। उफ। और सब देसी घी में था? सब देसी घी में था। जना मैं देसी घी का बहुत फैन हूँ। अच्छा जी, दूसरी पीटा ब्रेड वहाँ जा रही है, तो ये जो इसके लिए विनेग्रेट बन रहा है, इसमें लीमू है, ऑलिव ऑयल है, नमक और काली मिर्च है, लोग थोड़ी सी पैप्रिका भी डाल सकते हैं क्योंकि पैप्रिका का एक स्वीट सा जायका होता है, ऐसी शशके के लिए वो भी डाल देता हूँ बीच में थोड़ी सी। इसको विस्क करेंगे और इसमें जनाब असल काम जो है वो है चुकंदर का। चुकंदर जो आपने उबाल के उनको फिर छान लिया, वैसे चुकंदर कच्चा भी खा सकते हैं आप, मुझे कच्चा चुकंदर बहुत पसंद है। और फिर सैलेड टॉस करने का असल जो सुरूर है, तो मेरा बेटा ललचाई भी नज़र देख रहा होगा। हाँ? उसको इतना मज़ा आता है टू टॉस सैलेड एंड Yes, बस रेडी ख्याल है, ये भी रेडी हो गया ना, तो इसको गर्म रहने देंगे। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े से तिल हम टोस्ट करेंगे। हाथ जो हैं वो मेरे काफी गंदे हो चुके हैं, उनको मैं साफ करता हूँ, धोता हूँ जनाब। ना तो किसी एक ऐसे शख्स का आपने शुक्रिया अदा करना है बराहे रास्त कैमरे में देख के, जिसने या तो आपके लिए कोई बहुत ही मेमोरेबल कभी कोई मील बनाया हो, या जो बहुत अरसे से आपके लिए खाने बना रहा हो या बना रही हो, आज मेरे प्रोग्राम पे उनका नाम लेके आपने उनको शुक्रिया कहना है। और जैसा कि आपने खुद शुरू में कहा कि जो ताल्लुक होता है खाना बनाने वाले का, पकाने वाले का, खाने वाले के साथ, वो बड़ा इंटीमेट सा होता है। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी मेरे लिए। हाँ। बट वो रही नहीं है, बट अगर वो सुन रही हैं कहीं पे तो बिल्कुल सुन रही हैं। थैंक यू नानी। अच्छा जनाब, एक फाइनल चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है मेरा बहुत पसंदीदा है बाल्सामिक विनेगर। सिरका आप किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मीठा सिरका, राइस विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर। और मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि आपने चीनी नहीं डाली अभी तक, इसमें कोई मीठा नहीं डाला। ना तो इसमें मेरा नहीं ख्याल मुझे जरूर, वेरी गुड, क्योंकि यू सी बीट रूट है उसके अंदर एक अपनी, उसमें बहुत मिठास है, बिल्कुल। इसका जायका थोड़ा सा तेज होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। सिरका डालने के बाद सिर्फ ये याद रखिएगा कि सब्जी फिर पानी छोड़ना शुरू कर देती है, तो सिरका उमूमन आप एंड में डालते हैं, जो भी ड्रेसिंग हो सैलेड की वो आखिर में जाती है। कमाल। ये रहा जी, इसकी प्रेजेंटेशन फाइनल बाद में करेंगे। और अब मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ। हाँ। वो चिकंदर का जो सॉफ्टनेस है और मिठास, ऊपर हाँ। से जो सेसमी का जो क्रंच है, वो क्रंच क्रंच करेगा मेरे मुंह में। और अभी एक और चीज मैं आपके लिए इसमें और लेकर आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? फेटा चीज।
मैंने कहा ये प्रेजेंटेशन अभी पूरी नहीं हुई दोस्त, ये इसमें जाएगा, पिक्चर अभी बाकी है, इसमें जाएगा ये जी, ये चुकंदर के साथ जाएगा। मैं पागल हो रही हूँ। अच्छा नादिया चीज के बारे में बताएं। मैं आ सकती हूँ आपके शो पे जब भी आप मुझे बुलाना चाहें। बाय द वे अगर आपको एक छोटे की जरूरत है सेट पे, मजीद सजाते हैं जनाब, जो हमने हुमस बनाया या हमस, उसके अंदर आप ऑलिव्स की ड्रेसिंग करेंगे। इधर मैंने चुकंदर का सलाद बनाया, सब चीज़ों को मजीद जरा मधोलता हूँ, कुछ काट पीट करते हैं। पिटा की आपसे मिलते हैं एक जुपक के बाद। इफ्तारी जुपुक जबाक के बाद हरियाला बन्ना यहाँ पे आ चुका है नादो। हरियाला बन्ना जो है हमारा, उसमें आज मेरे पास पुदीना है और धनिया है, दो हसीन पत्ते। हाँ मतलब मैं तो समझता हूँ बाकायदा, मतलब इंसानियत जो है वो जायके में देखने में हर लिहाज से हसीन। नादो अब एक काम आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर उंगली से कुछ ऐसे छोटे छोटे से कुछ बनाने हैं छेद, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक फाइनल फेज ये आती है जिसमें आप ऑलिव ऑयल ड्रिजल करते हैं। सो हुमस के अंदर जनाब जो उसका जायका है कच्चे जैतून के तेल का, वो बड़ा जरूरी है। सो हाँ जी बिल्कुल फराख दिली से, बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब इस पे हम ड्रिजल कर देते हैं उंगली रख के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल कच्चा। सरवत आपको कैसा लग रहा है कुकिंग शो करके? मुझे बहुत मज़ा इसलिए आ रहा है कि मुझे खाना तो पसंद है ही, लेकिन आई थिंक वही सब दोस्तों से गपशप भी लगती है, कभी अच्छा पक जाता है कभी बुरा पक जाता है, लेकिन वही बात कुछ बातें ऐसी जो मुझे लगता है जैसे हमारे ड्रामों में एक बुनियादी गलती थी, सब कुछ ड्राइंग रूम में होता है, जबकि हमारे यहाँ मुझे भी अपने बचपन में याद है सब कुछ बावर्ची खाने में होता है। सो वो बावर्ची खाना एक ऐसी कोजी जगह है जहाँ पे आप खा रहे हैं हंस रहे हैं, सो बावर्ची खाने में वो बातें हो जाती हैं जो आप बहुत सी और जगह नहीं कर पाते। और खाना जो है जनरली एक कनेक्टर है, हाँ हाँ कनेक्ट करता है हम सबको, मिलाता है। और बिल्कुल अच्छा जी, और कुछ आपको हरियाली चाहिए कहीं रखने के लिए? चाहिए जी। ये क्या मैं आपको सोटी समेत दे दूँ? सोटी समेत ये आ गया। और धनिया, धनिया भी लेना? धनिया भी दूँ? क्योंकि ये पुदीना ऐसी चीज़ है जो आप वैसे ही लेबनीज खाने के साथ हुमस के साथ यम 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 करके खा भी सकते हैं। जनाब ये एक और प्यारी सोटी मौजूद है यहाँ पे। अब तो ये लोग मिंट्स और पता नहीं च्युइंगम खाते हैं ना अपना वो ब्रेथ साफ करने के लिए, ये इससे बेहतर कोई ब्रेथ फ्रेशनर है ही नहीं। और इसी से ही बनते हैं सब कुछ ना। तो कोई ऐसी बात, इन 30 दिनों में हम सब कम अज़ कम खुद से खुदा से एक अहद करते हैं कि जी हम 30 दिन के बाद थोड़े से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि 30 दिन के बाद कम अज़ कम ये तो हमें थोड़ा सा बेहतर होगा? सब्र 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 मेरे ख्याल में बर्दाश्त, एक दूसरे को रोज़ ही हमें ये अहद करना चाहिए। और ये हाँ। बहुत अहम हमारे लिए महीना है हाँ। कि ये जो एक चीज़ है जिसकी हमें रोज़ ही ज़रूरत कमी हाँ बिल्कुल है होती है, और हर एक को है बर्दाश्त सबर सबर अपने लिए लोगों के लिए दूसरों के ख्यालात के लिए दूसरों की मुख्तलिफ इख्तलाफात के लिए, यानी दूर किए जाएं लोगों के साथ जो आपके इख्तलाफात, दूसरों को बर्दाश्त किया जाए उनको बहैसियत एक और इंसान के जिसका अपना दिमाग है अपना दिल है अपनी सोच है, उसको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। बिल्कुल मुझे वैसे मेरा ख्याल है आपको अपने बावर्ची खाने में ज़्यादा बुलाना चाहिए क्योंकि जो सजावट है और जो खूबसूरती है चीज़ों की प्लीज आप दुनिया की सबसे लालची इंसान हूँ प्लीज। जनाब आपके लिए एक छोटा सा तोहफा ना दो हमारी तरफ से, हरियाली हरियाली देसी चीज़ें बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के। गॉड मैं बहुत बड़ी फैन हूँ हरियाली की, क्या मैं फाड़ के खोल दूँ इसको भी? बिल्कुल बिल्कुल आप बाद में कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। शहद देसी घी हमारा स्टॉक का देसी घी आ गया बच्चों। आप देख रहे थे स्टार इफ्तार विद सरबत खुसर नादिया जमील, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए इसी तरह मुस्कुराती रहिए, खाने की बातें करती रहिए, एक्टिंग भी करके दिखाएं। आपसे मिलते हैं खाने में भी नहाने में भी।